दोस्तों, काफ़ी सारा कमेंट्स आने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ से कैसे आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और नए नए अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे आ जाना है, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है PMJAY, ऐसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, उसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ आयुष्मान कार्ड के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आ जाने के बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं मेनू का, तो यहाँ आपको मेनू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाते हैं। तो यहाँ आपको पोर्टल के ऊपर आना है, और यहाँ आपको तीसरे नंबर पर आपको मिल जाते हैं बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। आपको ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आधार का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको PMJAY सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है, आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको इस पर टिक करना है, और यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद जेनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना। जैसे आप जेनरेट OTP पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, ये था आयुष्मान कार्ड, आप आधार से डाउनलोड इस तरह करके कर सकते हैं। आशा करता हूँ गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।